गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्टैंडर्ड वन। मैंने आपको प्रीवियस डेज में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था इससे टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और आगे इसी चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कंप्यूटर या स्मार्ट मशीन। उसके बाद मैंने आपको कुछ दो होमवर्क भी दिया था। उसके बाद आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन कैसे है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और सभी ऑल मशीन हैव सम थिंग्स इन कॉमन। सभी मशीनों में कुछ बातें जो है, कुछ चीज़ें जो है वह कॉमन होती है। ऑल ऑफ देम नीड समथिंग टू रन, क्योंकि जितने भी सारे मशीन होते हैं उसको रन करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो फोर्स की आवश्यकता हो, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो। ठीक है, इसमें से आपको बताया गया है कि सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मशीन जो हैं उनको रन करने के लिए, उनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जैसे फैन, जूसर, आयरन। कुछ मशीन जो हैं उनको चलने के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी एक प्रकार का गैस है, सीएनजी की आवश्यकता होती है। कुछ मशीन जो होते हैं उनको चलने के लिए ह्यूमन पावर की आवश्यकता होती है। ह्यूमन पावर का मतलब हुआ मानव जो है वह उसे खुद अपने बल पर चलाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है सम मशीन रन और बैटरी। कुछ मशीन को चलने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि दीवार पर जो क्लॉक होता है उसको चलने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, जो टॉर्च जो होता है उसको जलने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर। जैसा कि आप इस चैप्टर में पढ़े थे कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन, तो कंप्यूटर जो है वह एक स्मार्ट मशीन कैसे है, तो इसको जो है डिफरेंस किया गया है, इसको भिन्नता जो है प्रकट की गई है कंप्यूटर का और मैन के साथ, जो है कंपैरिजन किया गया है कि बेहतर कौन है। इसमें से आपको देखना होगा, इसमें से आपको भिन्न जो है भिन्न कैसे है कंप्यूटर और मैन में जो है वह किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार डिफरेंस है, ये आपको जानना है। तो इसमें आपको फर्स्ट में बताया जा रहा है कि मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन। एक मैन जो है, एक आदमी जो है अपना डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का भी डिसीजन हो, बट एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वह अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, जबकि मैन जो है, आदमी जो है वह अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो दूसरा में है आपको मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम। आदमी जो है काम करते करते कुछ समय बाद वह थक जाता है, बट कंप्यूटर जो है वह क्या है कि वह काम करते हुए कभी नहीं थकता है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। मैन गेट्स बोर डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। मैन जो है वह एक ही काम को बार बार करके वह बोर हो जाता है, बट कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, इट नेवर गेट्स बोर्ड। इसके विपरीत जो है, कंप्यूटर जो है वह एक काम को करके बोर नहीं होता है, यह बार बार करने के बाद भी एक ही काम को बोर नहीं होता है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स। आदमी गलती कर सकता है, बट ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। बट कंप्यूटर जो है वह मिस्टेक नहीं कर सकता है। उसके बाद है आपको मैन डज नॉट नीड एनी इंस्ट्रक्शन टू वर्क। मैन को काम करने के लिए किसी निर्देश का आवश्यकता नहीं होता है, बट ए कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क। बट आपको कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, निर्देश देना होता है कंप्यूटर को, तभी वह काम
करता है। ए मैन हैज़ फीलिंग्स, एक आदमी के पास फीलिंग्स होता है। फीलिंग्स होता है आपको सैड का फीलिंग्स होता है, हैप्पी का फीलिंग्स होता है, बट कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। मैन मैनी फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। आदमी जो है जितने भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना उसके पास माइंड में स्टोर होता है वह भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर अपने पास एकत्रित इंफॉर्मेशन को कभी नहीं भूलता है। मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। एक कंप्यूटर जो है वह बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, लेकिन आदमी जो है वह बहुत तेज़ी से काम नहीं कर सकता है। मतलब एक आदमी जो है कंप्यूटर की तुलना में तेज़ी से काम नहीं कर सकता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें से ट्रू फॉल्स और आंसर द क्वेश्चन, बाकी के और भी सारे क्वेश्चंस होंगे वह आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, थैंक यू।